हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टलेव द हेल्पिंग हैंड आज इस वीडियो में हम स्टेजेस ऑफ फेरिकोज वेन्स के बारे में जानेंगे मेरे लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं कि किन कारणों से वेरिकोज वेन्स होता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट आप फॉलो कर सकते हैं आइए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फेरिकोज वेन्स को समझते हैं उन्हें जानते हैं ताकि हम सही समय पर प्रिकॉशन लेकर लेटर स्टेजेस को अवॉइड कर सकें और अपनी सिचुएशन को मेनटेन कर सकें वेरिकोज वेन्स को कैटेगराइज किया जाता है उनमें पेन स्वेलिंग को चेक करके किस लेवल का स्किन डैमेज है ये देखा जाता है उसी के साथ उसमें अल्सर्स हैं जो कि सीवियर स्टेजेस में होते हैं उन्हें चेक करके उन्हें डिफरेंट स्टेजेस में कैटेगराइज किया जाता है इसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें कई एस्पेक्ट होते हैं जैसे क्लिनिकल स्टेजिंग उसके कॉजेस क्या हैं वेंस का इन्वॉल्वमेंट कितना है उसका एनाटमिकल आस्पेक्ट देखा जाता है इसी के साथ उसका पैथोफिजोलॉजिकल पार्ट देखा जाता है कुछ डॉक्टर्स इसको C1, C2, C3 के अकॉर्डिंग डिवाइड uh, करते हैं स्टेजेस को और कुछ डॉक्टर्स जनरली स्टेज वन टू थ्री अकॉर्डिंग टू द सी वी आर टी लेवल उसे डिफरेंटली uh, क्लासिफिकेशन में देते हैं नाउ द स्टेज वन स्टेज वन में दो फॉर्म्स होते हैं एक है स्पाइडर वेन्स एंड दूसरा है रेटिकुलर वेन्स सो स्पाइडर वेन्स में होता है कि वो बहुत ही छोटी वेन्स होती है बिल्कुल धागों की तरह दिखती है वो आपके पैरों पे जब वो स्टार्ट होती है ये स्टेज वन होती है इसलिए वो आपको रेड या पिंक कलर की नोट होगी आपके थाइज़ में या आपके काफ एरिया में या एंकल के आसपास कभी कभी ये टर्न होके पर्पल भी दिखाई देती है तो बहुत ही लाइट कलर में ये आपको दिखाई देती है ये फ्लैट होती है आपको स्किन के अंदर ही दिखाई देगी लेकिन इसमें स्वेलिंग नहीं होती है ना ही वेन्स उभरी हुई नजर आती है कभी कभी ये वेंस लेग्स uh, के साथ में फेस पे भी दिखाई देती है इसलिए इसे टैलेंजटीसिया uh, भी कहते हैं रेटिकुलर वेंस uh, को भी जनरली स्टेज वन में ही कंसिडर किया जाता है ये वेंस थोड़ी सी प्रोमिनेंट uh, आपको दिखती है लेकिन ये वेरिकोज बेन्स से छोटी होती है इनका साइज टू एम एम के अंदर ही होता है लेकिन ये भी आपको उभरी हुई नहीं दिखेगी लेकिन ये ईजिली स्किन में आपको विजिबल होती है जनरली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल्ड होती है इसलिए ये आपको ब्लू या पर्पल कलर में दिखाई देगी ये थाई एरिया में आपके घुटनों के पीछे वाले काफ एरिया में दिखाई देती है और एंकल के आसपास दिखाई देती हैं इनमें शुरुआत में हल्का सा दर्द और खिंचाव आपको महसूस होने लगता है इन्हें फीडर वेंस भी कहा जाता है अगर आप स्पाइडर वेन की कंडीशन में या रेटिकुलर वेंस की कंडीशन में जो कि स्टेज वन है अगर आपने अपनी वेंस का ध्यान नहीं रखा उन्हें प्रॉपर अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया है या आपने कंप्रेशन स्टॉकिंग्स नहीं यूज करना शुरू किया है तो ये ही बढ़कर स्टेज टू में आ जाती है जो कि एक पर्टिकुलर वेरिकोज वेंस का डायग्नोसिस ले लेती हैं इसमें वेरिकोज वेंस जो होती है वो स्किन से उभरी हुई नज़र आने लगती है आपको महसूस भी होने लगती है ये ट्विस्टेड वेन्स होती है ये इनमें स्वेलिंग्स भी हो जाती है जिसके कारण जो वेंस होती है वो फूली हुई दिखने लगती है उनका जो शेप है वो बिगड़ जाता है डिस्टॉर्टेड हो जाता है एंड जब वेरिकोज वेन डायग्नोज होने लगता है तो आपको दर्द ज़्यादा होने लगता है और ये वेंस ब्लू एंड पर्पल कलर में आपको दिखाई देने लगती है वेरिकोज वेन्स ही आगे बढ़कर स्टेज थ्री में आ जाती है जिसे हम वीनस नोड्स कहते हैं इस कंडीशन में आपके पैरों में और आपके एंकल के आसपास स्वेलिंग डेवलप होने लगती है इसमें आपको पैरों में भारीपन महसूस होने लगता है आपके पैर रेस्टलेस हो जाते हैं आपको नींद में प्रॉब्लम हो सकती है पैरों में इन्फ्लोमेशन होना शुरू हो जाता है जिसे, जिसमें रेडनेस है स्वेलिंग है दर्द है ये सभी आपको आपके पैरों में नीज में आपके थाई एरिया में या एंकल के आसपास महसूस होने लगता है इसी के साथ कभी कभी कुछ लोगों को नंबनेस भी फील होने लगती है कुछ सेंसेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो जाता है दर्द के साथ साथ में कई बार मसल्स पाजम मसल्स आपको नसों और मसल्स का खिंचाव भी आपको महसूस होने लगता है एंड इसमें स्किन चेंजेस भी आने लगते हैं और जो वेंस हैं वो स्वेलिंग होके नोट्स की तरह इसमें प्रॉपर्ली दिखाई देने लगती है इसी की नेक्स्ट स्टेज है जिसे क्रोनिक वीनस इनसफिशेंसी कहते हैं इसमें जो वेंस हैं वो प्रॉपरली रेड कलर की दिखाई देती है उसमें आपको इरिटेशन और ईचिंग होना शुरू हो जाती है और लेटर ऑन यही जो है वेन्स के कारण जो स्किन है वो थोड़ी सी आपकी स्किन में जो नॉर्मल शाइन होती है वो आपकी लूज होने लगती है वो ब्राउन या ग्रे उसमें मार्किंग्स आने लगते हैं टेक्सचर जो स्किन का है वो ख़राब होने लगता है क्रैक्स आने लगते हैं और कभी कभी स्किन से ब्लीडिंग होना भी शुरू हो जाती है और पैरों में एंकल के आसपास और आपके काफ एरिया के आसपास लेग्स में कई स्कार मार्क्स भी दिखना शुरू हो जाते हैं साथ स्टेज फोर में आपको दो और साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे जिसे कोरोना फ्लेबैक्टिटिका कहते हैं जिसमें कि आपकी जो वेन्स हैं एंकल के आसपास की वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देने लगती है बल्जिंग एंड प्रोमिनंट आप उसको देख सकते हैं और जो दूसरी कंडीशन है जिसे क्लेरोसिस कहते हैं इसमें जो स्किन और कनेक्टिव टिश्यू है उसमें इन्फेक्शन uh, होना शुरू हो जाता है इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है जिसमें आपको पेन स्वेलिंग डिस्कम्फर्ट टेंडरनेस ये सब महसूस होने लगता है नेक्स्ट स्टेज इज स्टेज फाइव जिसमें वीनस लेग अल्सर एंड एक्जिमा डेवलप होने लगता है uh, कई बार डॉक्टर्स इसे डिफरेंट डायग्नोज करते हैं लाइक स्टेज फाइव एंड स्टेज सिक्स ऑल्सो जिसमें हीलिंग अल्सर्स होते हैं जो अल्सर होने के बाद हील हो रहे हैं तो उसे स्टेज uh, फाइव में डाल दिया जाता है एंड जो अल्सर हील नहीं होते हैं जो और सीवियर हो आते हैं उन्हें स्टेज सिक्स में भी कैटेगराइज कर देते हैं पर जनरली जब अल्सर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं तो ये स्टेज फाइव की कंडीशन होने लगती है एंड इसमें स्किन भी बहुत सीवियरली इन्वॉल्व हो जाती है Uh, कई बार ओपन अल्सर्स होते हैं वो हील भी होते हैं एंड अनहील uh, भी रह जाते हैं जिनमें काफ़ी ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म तक लेना पड़ता है इसमें वेंस जो होती है वो लीकी हो जाती है ब्लड तो ऊज uh, आउट होता ही है वेंस से उसी के साथ में बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन कुछ येलो एंड ग्रेज जो पस फॉर्मेशन होता है वो भी अल्सर से uh, बाहर uh, निकलना शुरू हो जाता है वेन्स में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है हाइपर टेंशन हो जाता है एंड इसी कंडीशन में ब्लड क्लॉट्स होने के चांसेस भी होते हैं तो जो वेरिकोज एक्जिमा होता है इसमें स्किन बहुत सीवियरली इन्वॉल्व हो जाती है इसे वीनस ग्रेविटेशनल भी कहते हैं या स्टेटस डर्माटाइटस भी कहते हैं अब हमने सारे स्टेज़स को जान लिया है समझ लिया है इसलिए हम प्रिकॉशंस लेना जल्दी ही शुरू करें जैसे ही हमें हम स्टेज वन में आए और हमें लगे कि स्पाइडर वेन्स या रेटिकुलर वेन्स डेवलप हो रही है तभी आप प्रॉपर उसके लिए प्रिकॉशन एंड एक्सरसाइजेस शुरू कर दें ताकि ये लेटर स्टेज में डेवलप ना हो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ नाइस डे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल